हेलो दोस्तों, आप सब बढ़िया होंगे और आपकी कंपटीशन तैयारी सही चल रही होगी जैसे कि मेरी चल रही है। ठीक है, तो जैसे कि हमने जो है डिटेल कराया था आपको एनालिसिस साइंस सेक्शन का एनटीपीसी में, कि एनटीपीसी में साइंस कितने नंबर की और कैसे कैसे वेटेज है। तो मैंने कहा था कि मैं बायो पढ़ाऊंगा, तो पहला जो कराएंगे चैप्टर आज वो लेंगे सेल। तो बाद के सेल में क्या क्या पढ़ना होगा, जैसे को कि समझो कि सेल एक जैसे लाइक बॉल है, बॉल खेला था बचपन में ऐसे करके, तो उस बॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और सेल कैसे मतलब कि आपकी एग्जिस्टेंस में आई और कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, तो उसमें कई लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा। तो आपका जैसे एनटीपीसी में तो क्या है, साइंटिस्ट के नाम भी पूछे जाते हैं, वो काफ़ी होते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे पूछ देंगे आप बताओ सेल डिस्कवरी किसने की, फर्स्ट सेल और फर्स्ट लिविंग सेल, दोनों साइंटिस्ट अलग अलग है जिन्होंने डिस्कवरी की थी। चलिए आज सेल का पूरा, आपका जो सेल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा हर एग्जाम में। तो मैं सेल करके कराऊंगा आपको तीन लेक्चर के अंदर, तीन से दो लेक्चर में मैक्सिमम करा दूंगा। ठीक है, तो आज सेल का लेंगे बेसिक कि सेल की क्या क्या होता है। जैसे कि देखो आप, जैसे लाइक मैं बना रहा हूँ आपका एक, तो इसमें कई साइंटिस्ट हैं उनके मैं नाम पहले लिखता हूँ आपके। तो पहले साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट हुक, ठीक हुक। सेकेंड में आते हैं आपके रॉबर्ट ब्राउन, आपको ईयर याद ही रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थर्ड आते हैं आपके थियोडोर स्वान, इसमें लिखता हूँ मैं ए, इसमें लिखता हूँ बी, फिर इसमें आते हैं सिल्डन, सी आते हैं आपके रोडल्फ, रोडोल्फ विर्चो। ठीक है, इसमें फिर फोर्थ नंबर पे आते हैं आपके लुवेन हुक। तो ये चार साइंटिस्ट है। और एक आते हैं फिफ्थ नंबर पे पुरकिंजी। ठीक है, ये कुछ साइंटिस्ट थे जिनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा आपकी सेल के डिस्कवरी में और सेल की डिटेल एनालिसिस के अंदर। तो देखो, जैसे पहला साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक और ये आपके एवी लुवेन हुक। तो आदि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए, पूछेगा कि फर्स्ट सेल हु डिस्कवर द फर्स्ट सेल। तो आप दोगे आंसर रॉबर्ट हुक। एंड दैट इज क्वेश्चन चेंज कि हु डिस्कवर द फर्स्ट लिविंग सेल, देन गिव योर आंसर एवी लुवेन हुक। ठीक, तो बात है डेड सेल और लिविंग सेल में अंतर क्या होता है। तो जो मैंने सेकंड नाम लिखा है रॉबर्ट हुक का, तो अंतर होता है न्यूक्लियस, सॉरी ब्राउन का न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस से ही सारी आपकी एक्टिविटी होती है। ठीक है, यदि आप मर गए तो आपका सब रुको कि जो मैन जो कवाई सिस्टम यही होता है रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का। तो जो इन्होंने डिस्कवर किया था, इन्होंने देखा था, आपने देखा होगा पेड़ की छाल जिसे हम बोलते हैं, छाल जो होती है जो डेड सेल की कोक, उसको कोक बोलते हैं इसके अंदर, तो उसको इन्होंने देखा था अपने माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इनको कुछ जो मिला था स्ट्रक्चर कुछ था इस लाइक में, से बोलते हैं हनी कम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन्होंने देखा था कंपार्टमेंट, तो इन्होंने इनको कहा था सेलुले, तो इनको इन्होंने कहा सेल। तो यहाँ के लिखोगे आप रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल विच वाज ए डेड सेल। ठीक, डिस्कवर तो किया इन्होंने लेकिन वो एक डेड सेल था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ही वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। ठीक है, ही वाज फर्स्ट, इन्होंने जो डिस्कवर किया था फर्स्ट लिविंग सेल, जो इन्होंने देखा था कि वह देखते ना बारिश में कहीं जब पानी जाता है इकट्ठा, तो उनके छोटे छोटे कीड़े से टाइप में होते हैं, तो उसको उन्होंने देखा था। ये तीन साइंटिस्ट जिन्होंने एक कंट्रीब्यूशन किया था सेल को समझने में कि सेल कैसे बनते हैं और कैसे इनकी स्ट्रक्चर है। तो इसको करेंगे अभी हम डिटेल में अपना एनालिसिस। ये आपके एवी लुवेन हुक, अरे नहीं डिस्कवर्ड न्यूक्लियस गलत हो गया, ये होगा न्यूक्लियस। हाँ, ही वाज द फर्स्ट
प्रसन्न हुस आर ए लिविंग सेल, लिविंग सेल। ठीक है, फिर आते हैं पुरकुंजी। इन्होंने देखा कि सेल के बाहर काफी एक एक लिक्विड है, तरल पदार्थ, उसको उन्होंने देखा। ही कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बना होता है, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। ठीक, तो इस बारे में जब करेंगे तब बताएंगे इसमें अंतर क्या होता है। अब बात आती है इनकी सेल थ्योरी के ऊपर। तो इन्होंने तो सेल डिस्कवर कर दिया था, लेकिन सेल कैसे बनता है, क्या इसका फंक्शन है, इसको समझने के लिए इनका नाम आता है। इन्होंने इनका एक कंट्रीब्यूशन था किसमें, जो आप सुनते हो आप सेल थ्योरी, क्या सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में क्या क्या पॉइंट थे इसको आप देखो बेसिक, कि सेल थ्योरी में क्या क्या पॉइंट थे। तो मैं यहां लिखता हूं अबाउट द सेल थ्योरी, जो काफी आपका इंपॉर्टेंट है। इन्हीं बारे में लिखेंगे अब हम, इसको थोड़ा करते हैं आगे ताकि आपको समझ में आसानी हो। सेल थ्योरी, ये आता कि सेल थ्योरी किसने दी थी। तो यहां जो नाम लिखोगे आप, लिखोगे सिल्डन एंड श्वान, सिल्डन एंड श्वान। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आएगा आपसे सीधा कि किसने सेल थ्योरी दिया, तो सिल्डन एंड श्वान। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो क्वेश्चन पूछेगा, हु मॉडिफाई सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी को किसने मॉडिफाई किया। तो इसका जो दोगे आप आंसर वो दोगे रुडोल्फ, रुडोल्फ रुडोल्फ विर्चू। अब बात है कि इन दोनों क्या क्या बातें कही थी। तो देखो सिल्डन एंड श्वान ने कहा था कि चीज़ों को समझो कि कैसे कैसे चीज़ें चली सिस्टम वे में। तो इन्होंने कहा सेल थ्योरी क्या है, देखो अब आ गए सेल थ्योरी की, कि सेल थ्योरी क्या है। पहला पॉइंट क्या कहा इन्होंने कि सेल इज ए लिविंग, सेल इज ए, पहला पॉइंट जो था सेल थ्योरी का, सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चाहे आप प्रोकोटी देख लो, चाहे देख लो इन यूकैरियोटिक, सिंगल सेल ही फंक्शन काम करता है। ठीक है, ये बात इन्होंने कहा पहला पॉइंट। फिर इन्होंने क्या बोला, ऑल देखो चाहे डेड सेल हो चाहे प्लास्टिक हो, प्लास्टिक भी सेल का बना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल सकते हो, ऑल थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, हम अभी लिविंग बींग हैं तो हम कहेंगे ऑल लिविंग थिंग्स, लेकिन हम मर गए तो आप तो लिविंग है नहीं, लेकिन तब भी तो हमारे अंदर सेल तो है ना, तो ऑल थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। लेकिन बात आया कि चलो भाई सेल है, सेल जैसे समझो कि आपको एक घर बनाना है, तो घर बनाने के कई चीज़ें चाहिए, ईंट बजरी सीमेंट छड़ गिट्टी एक्सेट्रा। लेकिन जो पहली यूनिट क्या है उसकी, जो बनाने की चाहिए आपको चाहिए ईंट। तो जो ईंट है, मानो मुझे दीवार बनानी है, उसे मुझे ईंट डालने हैं, तो ईंटें, तो ईंटें ऐसे पोस्टिंग करोगे, ऐसे तब ना एक दीवार बनी फंक्शन यूनिट जो आपका काम करेगी प्रोटेक्शन का, सेल्टर देने का। तो जो एक यूनिट होती है इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, इस सेल से जो एक सिस्टम बनता है, मैं बताता हूँ सिंपल है ना, टिशू बनता है। ठीक है, टिशू बनता है, टिशू जब मल्टीपल टिशू मिलकर जो कोई काम करते, जैसे एक दीवार आपकी सेल हुई, जब आप चार दीवार बना दोगे तो एक बन जाएगा कंपार्टमेंट आपका। ठीक, कंपार्टमेंट, लेकिन वो भी कंप्लीटली फंक्शन नहीं है, वो एक यूनिट काम करता है। एक रूम बन गया आपका, तो बनता है आपका ऑर्गन। ठीक, ऑर्गन। लेकिन आपने कई कमरे बनाए अपने प्लॉट के अंदर, वो क्या बन गया, एक मकान। दस लाइक वो कंप्लीट क्या बन गया, एक मकान जिसमें
एक यूनिट क्या है, आपकी दीवार है, लेकिन उससे कमरे बने जो बन गया आपका क्या टिश्यू, लेकिन वो टिश्यू क्या बना, एक बना ऑर्गन सिस्टम, लेकिन उस पूरे जो बॉडी बनी, हॉल जो मकान बना, उसको बनेगा ऑर्गन सिस्टम। क्यों? आपने देखा होगा जब आप घर बनाते हो, समझो रियल लाइफ से, एक कमरा है, एक कमरा आपने रखा रसोई के लिए, स्पेसिफाई काम किया, तो क्या टिश्यू का काम करा स्पेसिफिक रसोई के लिए? एक काम किया आपने क्या कि रसोई में नहीं, सॉरी रसोई में वो टिश्यू क्या होता है, एक सेल है कमरा आपका, उससे बना टिश्यू, मतलब समझो बना आपका रसोई घर, उस रसोई घर में भी आप बनाते हो कंपार्टमेंट कि यहाँ पे जो विस्कल्टी रहेगा सामान धोने का, यहाँ बनाने का टिश्यू, लेकिन उस सिस्टम में फिर आपका कई कमरे होते हैं, ड्रेसिंग रूम रहने का, ऑर्गन, क्यों सबका अलग अलग फंक्शन है, फिर उस पूरे फंक्शन से क्या बनता है आपका एक मकान बनता है, डेट इज द ऑर्गन सिस्टम, तो आपका होता है ऑर्गन सिस्टम। तो देखो क्या इसकी होती है स्टेज, पहली सेल, टिश्यू, ऑर्गन और आपका ऑर्गन सिस्टम। लेकिन बात आया कि ये चीज़ें बनती कैसे, मान लो एक सील तो बन गई, एक ईंट तो दीवार की, ये एक ईंट से दूसरी ईंट कैसे बनती है? तो जैसे आप आदि होंगे ग्रामीण ईंट, तो आप देखा होगा कि भट्टी की ईंट जो है बनती है भट्टी पे, गीली मिट्टी लेते हैं, उसको एक शेप देते हैं, उसके बाद उसको मोल्ड करते हैं, उसके बाद वो ईंट बनती है। तो उसी बात में सैल पे आई, तो तब यहाँ नाम आया किसका, रुडोल्फ विर्चू का। इन्होंने क्या बोला, पॉइंट सी, ऑल सेल्स आर अराइजेस, ऑल सेल अराइजेस, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जितने भी सेल हैं, सेल्स हैं, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो भी सेल हैं आपके, वो जो अराइज करते हैं, चलो इसकी लैंग्वेज लिख लो, आप चेंज करके लैंग्वेज थोड़ी लैंग्वेज लिखते हैं, सेल नहीं, इसकी लैंग्वेज थोड़ी लिखते हैं नई तरह से, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक। तो इन्होंने क्या बोला, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो भी पहला सेल है वो दूसरे सेल से ही बन के आता है, ठीक है, नया सेल जो बन के आता है। तो ये लाइन जो कही थी, ये इन्होंने कहा था रुडोल्फ विर्चू ने, कौन थे ये, रुडोल्फ विर्चू। तो इनकी जो लाइन थी, एक आपको पता ग्रीक थे, इन्होंने कहा था ओमिन सेलुले ई सेलुले, इसका जो मतलब होता है ये आपका ये होता है। तो ये था सेल थ्योरी के बारे में। इसके बाद जब आप पढ़ोगे आगे, तो हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, उनका डिफरेंस मैं अभी नहीं कराऊंगा, क्यों जब मैं, लेकिन जब मैं वहाँ बोलूँगा कि प्लांट सेल में होता है सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, डिटेल डिफरेंस। तो इससे पहले हम करेंगे अपना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब जिसे मैंने कहा था आपको क्लास के अंदर कि सेल में क्या पढ़ना था, एक सेल थ्योरी जो अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया, आप कंप्लीट करेंगे अपना, अब इसको आप नोट कर लो या फिर देख लो आपको, ठीक है। तो इनका मैंने बता दिया, इसको मैं रफ करता हूँ, इसके बाद देखते हैं अपना सेल ऑर्गेनल। ठीक, तो देखो सेल ऑर्गेनल्स, ठीक। तो मैंने कहा था कि सेल ऑर्गेनल्स को आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हो, कैसे, एक डबल मेम्ब्रेन और एक सिंगल मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन में क्या आते हैं, तीन आते हैं आपके, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। लेकिन मैं इसको एक लीगल टर्म दूंगा, प्लास्टिड, इसको काटो आप, प्लास्टिड्स, ठीक, प्लास्टिड्स, इसको आप क्लोरोप्लास्ट को काट दो, लिखेंगे प्लास्टिड, क्यों, क्लोरोप्लास्टिडेट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक। यहाँ देखो आपको लिखना है सिंगल मेम्ब्रेन में, आपको लिखना है क्या, लिखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी,
लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। तो देखो ये आपके ये जो टोटल चार होते हैं दीज आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। किसके पार्ट हैं? पार्ट्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो देखो क्यों इनको पार्ट होने, क्योंकि दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। चीज़ यहाँ बनेगी, यहाँ से यहाँ आएगी, फिर कोई चीज ब्रस्टिंग होगी तो वो यहाँ यहाँ पे होगी डिस्पूज, कोई करना होगा हमें स्टोरेज तो यहाँ करेगा स्टोरेज दीजा पार्ट। तो आपको एक पिक्चर शो हो रहा होगा कंप्लीट एंड मेम्ब्रेन सिस्टम का, इसमें दिख रहा होगा आपको कि सेंटर में सर्कल टाइप में होगा, डेट इज द न्यूक्लियस, फिर कुछ ऐसे होंगे ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर सैक लाइक में, डेट इज द एंड मेम्ब्रेन सिस्टम। उसके बाद दिखेगा आपको एक ट्यूबुल ऐसे फॉर्म, मतलब इस टाइप में ट्यूबुल लाइक की बॉडी, ये होंगे आपके गोल्जी बॉडीज। फिर आपको दिखेगा कुछ ऐसे दो टाइप में दीज आर लाइसोसोम, फिर कुछ दिखेंगे ऐसे नंबर में ये होंगे वैक्यूल्स, दीज आर द पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स। नाउ वी फर्स्ट डील विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड व्हाट इज देयर फंक्शन। तो जैसे कि आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, तो देखो आपको फर्स्ट कवर वी कवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन वी कवर गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। फर्स्ट वी कवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बॉडी द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे अब मैं आपको शो करता हूँ, आपको पिक्चर शो हो रहा होगा आप यहाँ पे किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसको देख हाँ उसमें देखो आप इसमें क्या आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो आप पहला वी कवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आपको जो पिक्चर शो हो रहा होगा वो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। तो क्या आपका अपना फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। तो मैं बताता हूँ वो इसमें क्या होता है, इसके सेंटर में यहाँ मतलब डायग्राम इसी में फंक्शन रख दूंगा, इस तरफ से कुछ होगा आपको, फिर ये कुछ आपको पिक्चर देखो शो होगा, इसमें मैं बनाता हूँ रफ डायग्राम, मैं सिंगल बनाऊंगा आपको रफ डायग्राम। ये मैं रब बना रहा हूँ आपको समझने के लिए आपके, कि कुछ इस तरह से आपका होता है क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई आगे जाकर किससे कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट किससे होगा, ऐसे करके कुछ बना होगा गोल्जी बॉडीज, उनसे ये होंगे ऐसे कनेक्टेड आपके, ठीक। मैंने एक बनाया आपको, और यहाँ पे कहीं दिखेंगे आपको क्या लाइसोसोम दिखेंगे आपको, फिर यहाँ दिखेंगे वैक्यूल्स, और इसके बीच में दिखेगी आपको सेल मेम्ब्रेन, ठीक। तो मैंने एक बनाया है आपको समझाने के लिए, ये समझो न्यूक्लियस है आपका, ये आपका क्या है ईआर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दी जाता गोल्जी बॉडीज, आप देखना डायग्राम मिलेगा आपको, आपको सही सही डायग्राम। ये मैंने रफ बनाया आपको, दी जाता लाइसोसोम्स, ये आपके क्या होंगे वैक्यूल्स, ये आपकी होगी क्या सेल मेम्ब्रेन। तो ये देखो एक सेल किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, सेल मेम्ब्रेन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ही चार आएंगे, फिर न्यूक्लियस है, माइटोकांड्रिया है। ये एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है। तो ये देखो था आपका, तो बात है ईआर की, ईआर क्या, जैसे आपको मैंने बता दिया कि इसकी फर्स्ट डिस्कवरी डिस्कवर्ड बाई गार्नर, ठीक है, इसने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक। लेकिन इसका नाम के ईआर नेम, ये नाम किसने दिया था, ईआर टर्म कॉइन्ड बाय, ये थे आपके के आर पोर्टर, ठीक। क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा नाम पूछे जाते हैं, साइंटिस्ट के पूछे जाते हैं, तो ये थे आपके एंडोप्लाज्मिक, क्यों आपसे कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ भाई डिस्कवरी किसने की थी गर्नियर ने, व्हाट इज ये टर्म किसने कॉइन किया था के आर पोर्टर ने। इसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा हुआ, देखो ये दिखाता हूँ आपको एक तरह से, इसमें एक लेयर में वो बनाता हूँ रेड करके, इसको बोलते हैं आर ई आर, ठीक। अभी मैं आग करूँगा एक्सप्लेन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं एस सी आर स्मूथ
एंड बाद में रेटिकुलम, इसको आर ई आर और एस ई आर क्यों कहते हैं, दैट इज द रीजन। देखो आप, मैंने कुछ दो दो लाइन दिखाई है, दो टेस्ट में, दीज आर द राइबोसोम्स, इनको क्या बोलते हैं हम, राइबोसोम्स, ठीक। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज ट्यूबुल्स आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट सम ट्यूबुल डज नॉट कंटेन राइबोसोम, सो वी कॉल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, इनके फंक्शन होंगे अलग अलग, डिफरेंस इनके होंगे फंक्शन, तो देखते हैं सीधे आते हैं डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। तो इसमें एक बार पूछेंगे सिस्टर ने क्या होता है, जो ये दिखाना आपको एक यूनिट, मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्ट्रक्चर। ये जो होती है ना एक यूनिट, कुछ इस टाइप में होती है, इस पर कुछ जब देखोगे तो इसको बोलते हैं सिस्टर ने, ठीक। सो होता है सिस्टर ने ट्यूबुलर, ये टूलन क्या होगा, ट्यूबुल्स बनेंगे इस टाइप में इसके, ट्यूबुलर्स, ठीक है, इस टाइप में होंगे ये। तो एक होता है गोल टाइप में, तो इनको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सिस्टर ने, इसको बोलते हैं ट्यूबुल्स, क्योंकि ट्यूबुल्स लाइक में है ये, इसको बोलते हैं क्या, वेसिकल्स। तो इतना डेप्थ नहीं था, मैंने बता दिया आपको, जो ट्यूबुल लाइफ में होते हैं इनको बोलते हैं वेसिकल, और जिनके ऊपर राइबोसोम होते हैं सिस्टर ने, वो पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्म इसका। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस है, फंक्शन क्या होते हैं, इनके फंक्शन अलग अलग क्यों होते हैं। तो देखो इनके फंक्शन लिखते हैं किसके, आपके मैं लिखा यहाँ पे आर ई आर और आपका एस ई आर, ठीक है। कहाँ होंगे ये, नियर द न्यूक्लियस, ठीक, ये नियर टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक। अपन देखा आपका ये होंगे मोर स्टेबल, मोर स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, ये क्या होंगे, लेस स्टेबल, स्टेबल, ठीक। इनका काम क्या है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट्स, फंक्शन क्या है इनका, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। इसका देखो आप थर्ड पॉइंट, राइबोसोम्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन क्या है इसका, देखो जो इसकी इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन पहला फंक्शन है लिपिड फॉर्मेशन, फोर्समैन, इसका मतलब क्या, डी टॉक्सिफिकेशन, ठीक। दो फंक्शन दिखा दिया मैंने आपको इसके, तो ये देखो इसका कई काम होता है, इसको मैं एक आपका आल्सो इसका काम का थर्ड फंक्शन को आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडीज लाइसोसोम्स, ठीक है। तो ये थे आपके एस सी आर और आर ई आर के बारे में। इसके बाद करेंगे क्या अपना, अब हम करेंगे अपना गोल्जी बॉडीज की, गोल्जी बॉडीज क्या होते हैं। तो याद रखना जो भी मैं अभी सेल लिखा रहा हूँ, ये आपको सब में मिलेंगे, प्लांट में भी और एनिमल के अंदर ही। तो तीन ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर आपके क्या, ये आपके सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होते, तो वो है आपके, लिखो ये लिखा था बाद में, ठीक है। देखो आपका गोल्जी बॉडीज, तो गोल्जी बॉडीज का आपको शो होगा स्ट्रक्चर यहाँ पे, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। पॉइंट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, ठीक है। सेकंड पॉइंट,
आपसे पूछेगा कि इसका भी आपको देखो स्ट्रक्चर शो होगा, इसमें सीधा आप फंक्शन पे आओ कि इनके इनके फंक्शन क्या होते हैं। किससे ज़्यादा आपसे ये नहीं पूछता एग्जाम के अंदर। पहला काम पहला फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन पहला ग्लाइकोसाइलेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम विच इज प्रेजेंट इन स्पर्म, ठीक है। थर्ड फंक्शन क्या है, सॉर्टिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये आप देखते रहो, इसका फंक्शन है आपका। और फोर्थ फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट्स। तो ये इसके कुछ फंक्शन थे आप, क्योंकि इसमें एक आपको एक पूछा था कि जो ब्लैक रिएक्शन क्या है, ब्लैक रिएक्शन ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। इसको क्या करते हैं, ब्लैक रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, केमिकल का नाम लिख लो बस, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इसको जब डालोगे ना सिल्वर नाइट्रेट के ऊपर, तो ये शो करेगा आपको सेल ऑर्गेनेल, डेट इज द ब्लैक रिएक्शन। ये इसमें कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, हम सिल्वर नाइट्रेट को यूज करते हैं इसके अलावा। तो ये था आपका क्या अबाउट गोल्जी बॉडी। आप चलते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स का जो काम होता है, लाइसोसोम कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन वो मैंने करा रखा है, आपको पढ़ना है डिटेल के अंदर। तो आप जाओ प्ले लिस्ट में, आपको तो दिखेगी लाइव क्लास बाय राहुल सर, उसे पूरा सेल करा के डिटेल के अंदर एक एक पॉइंट समझाया गया है। क्योंकि यहाँ पे मुझे चीज़ों को कंसाइज करना, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये देखो आप रफ कीजिए, अगला क्या आपका थर्ड लाइसोसोम्स, ठीक। इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ ठीक कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक। pH of enzyme is around, देता हूँ कि NCERT का डाटा क्या करता है आपको, pH कितना pH है इसका, हाँ मैं अकॉर्डिंग टू pH ऑफ एंजाइम इज अराउंड 4-5, ठीक है। pH ये आपको होता है pH, ये हो गया। इसका फंक्शन क्या होता है, टू डिस्पोज डेड सेल, ये आपका इसके बारे में है आपका। इसमें आपको इतना ही करना, क्योंकि इसमें आपको मॉडिफिकेशन जो फंक्शन में है आपका, तो गोल्जी बॉडी के बारे में और कैसे फंक्शन देखता हूँ मैं। हाँ ये आपका जो है ना फॉर्मेशन थायरॉक्सिन हार्मोन आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन्स। ये था आपका गोल्जी बॉडी लाइसोसोम्स के बारे में अबाउट दैट। क्यों जब आपको क्यों होता है, देखो होता हूँ, जो थायरोक्सिन होता है ना हार्मोन, जब इसको करवाना, ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में, जिसे बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन, इसको जब करवाना होता है ना एक्टिव थायरोक्सिन हार्मोन को, तब उस टाइम लाइसोसोम की जरूरत पड़ती है। अगला आता आपका क्या, वैक्यूल्स, ठीक। इसका देखो काम क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। इसका मेन काम होता है, मेन फंक्शन स्टोरेज, स्टोरेज का
बस एक ही फंक्शन है कि इसका काम है स्टोरेज करने का सेल को, क्योंकि क्या करना है करने का मेन फंक्शन हो फंक्शन क्या है स्टोरेज, सेकंड क्या है आपका मेंटेन मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ सेल, या फिर इसको क्या लिखते हैं डेट इज द टर्जिडिटी ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल। ठीक, तो ये थे आपके चारों जो पार्ट हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। इसमें लिख लो एक कॉमन चीज क्या होती है, कॉमन किसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। पहला पॉइंट जो लिखोगे आप एक नंबर लिखो ऑल आर सिंगल मेम्ब्रेन, क्या आपके हैं सिंगल मेम्ब्रेन। सेकंड पॉइंट दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। सेकंड पॉइंट नोट पॉइंट लिखो, नोट आप लिखो आपका पॉइंट नोट करके क्या लिखना है आपको, सेल ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट इन किनके अंदर, पॉइंट लिखा देना एक मैच्योर आरबीसी, सेकंड सीप ट्यूब। ठीक, समझ रहे हो, आपसे सीधा क्वेश्चन एक बार ये आया था हमारे एग्जाम के अंदर कि आरबीसी कंटेन न्यूक्लियस, तो आंसर होगा यस। जब तक आपको उसके आगे मैच्योर मैच्योर लिखा ना हो आप कहोगे हाँ उसमें होता है, क्यों टिल द बर्थ जब तक बच्चा जन्म नहीं होता तब अब तक उसके आरबीसी के आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये था लेक्चर सेल का, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा सेल हम कवर कर लेंगे, उसके बाद अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ओवर लेक्चर।